छिंदवाड़ा के एक शख्स ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर रात को फांसी लगाकर जान दे दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का बजट प्रदेश की आगामी विकास की दिशा दिखाने वाला है। शहरों में सड़कों पर वाहनों की बढ़ती भीड़ को काबू करने के लिए सरकार मेट्रो परियोजनाओं पर लगातार जोर दे रही है। नागपुर में बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा प्राणी संग्रहालय में अफ्रीकन सफारी के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए सौगातों की बरसात कर दी। 5 राज्यों के चुनावों में एक पंजाब को छोड़ दिया जाए तो 4 राज्यों में बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की। पंजाब विधानसभा में जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान दिल्ली पहुंचकर केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। बिहार के गोपालगंज जिले में शनिवार सुबह जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु में एक डांस बार पर छापा मारकर 64 लड़कियों को छुड़ाया और 9 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक सरपंच उस वक्त बाल बाल बच गए जब उन पर आतंकवादियों ने गोलियां बरसा दी।